अगर आप और हम मिल जाएं तो नहीं लगेगा ये लॉकडाउन। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं न्यूज देख रहा था तो मैंने देखा कि 20 दिन में 25 करोड़ लोग चाइना में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मात्र 20 दिन के अंदर। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो नया ओमिक्रोन का BF7 वर्जन आया है वो मात्र घंटों में आपको पॉजिटिव कर रहा है, घंटों में। और एक वायरस पॉजिटिव इंसान 18 लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना ओमिक्रोन का BF7 से पॉजिटिव है तो वो व्यक्ति 18 लोगों को पॉजिटिव कर रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है। और आगामी कुछ महीनों के अंदर ऐसा सुना भी है कि चाइना की 60% पॉपुलेशन पॉजिटिव होने वाली है और कईयों की तो मौत भी हो सकती है। दोस्तों, पिछली बार जब कोरोना वायरस आया था, इंडिया में आया था, तो मेरे जैसे आपके जैसे कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को खो दिया था, उनकी मृत्यु हुई थी उस कोरोना वायरस। वही चीज एक बार फिर से लौट के आई है और अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। और आप अपने आगामी जो मित्र हैं, रिलेशन वाले हैं, उन लोगों को आप मरने से आप बचा सकते हैं। और वो ऐसे बचा सकते हैं कि आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के भरोसे रह करके हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हमें बचा लेगी। सरकार आपको दवा दे देगी, खाना दे देगी, लेकिन जिंदगी नहीं दे पाएगी। लाइफ आपकी, आपको खुद को बचानी है और साथ में ही आपकी फैमिली वालों को भी आपको बचाना है। आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा आपको। आपको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी जब फैलती है तो आपकी तरह फैलती है। अभी चाइना के हालात खराब है, लॉकडाउन भी लग चुका है कई शहरों में चाइना के, और आगे भी लगने वाला है। तो भारत में ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए जो अभी हाल फिलहाल 196 केसेस हैं पॉजिटिव जैसा न्यूज में बताया है, तो वहीं तक सीमित रखें। आपको सिर्फ करना क्या है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। मास्क लगा के रखिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए। किसी भी जगह पे आप बैठते हैं या बात करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो टच ना हो उनसे। एक छोटी छोटी चीजें हैं जीवन की जो आप रोज कर सकते हैं, और वही करके आप आज कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं जो जिम्मेदार हैं, तो जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वही इस चीज को आगे बढ़ाते। मैं अपने परिवार की पूरी सुरक्षा करता हूँ, मैं अपनी सुरक्षा करता हूँ, तो आप भी कीजिए ना, आप भी अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, आप भी इस चीज को फैलने से रोक सकते हैं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही एक निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन, कि आप इस चीज को गंभीरता से लें। ये बीमारी बहुत लोगों की जान ले चुकी है और अब बहुत लोगों की जान लेने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी जो बहुत ज्यादा खतरनाक है चाइना में, वो अब इंडिया में आ चुकी है। दिल्ली में 5 केस,
उसमें से एक की मौत भी हो चुकी है, तो अभी भी आपको संभलने का मौका मिल रहा है। आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और अपने परिवार को भी बचाएं। मैं इस पर आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क पहनिए रेगुलरली, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए आप बराबर से, और जो भी सेफ्टी आप रख सकते हैं वो आप सेफ्टी रखिए बिल्कुल। क्योंकि जब हम खुद आगे रह करके इस चीज में उतरेंगे तभी हम इसकी चेन को तोड़ सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ यही मात्र छोटा सा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।